गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लेसन 10 करोजन का दूसरा टॉपिक, करोजन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ करोजन। संक्षारण से संसार को अपार हानि हुई है, अतः संक्षारण को समझाने के लिए 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। पहला, संक्षारण का अम्लीय सिद्धांत। दूसरा, संक्षारण का शुष्क सिद्धांत, जिसे रासायनिक सिद्धांत भी कहते हैं, या शुष्क गैसों द्वारा संक्षारण। तीसरा, आर्द्र संक्षारण, इसे विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा संक्षारण भी कहते हैं। हम इन्हें बारी बारी से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको संक्षारण समझ में आ गया होगा। संक्षारण धातुओं और मिश्र धातु, धातु जो हमें खनन की क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है, अयस्क, उसके द्वारा ऊर्जा देकर के उससे शुद्ध धातु प्राप्त करना धातु। मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। धातुओं और मिश्र धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित गैसों, नमी और अन्य किसी कारण द्वारा संक्षारण, रासायनिक क्रिया के द्वारा या विद्युत रासायनिक क्रिया के द्वारा खराब होना, क्षय होना या नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। इसका हम पहला सिद्धांत पढ़ेंगे, अम्लीय सिद्धांत। अम्लीय सिद्धांत को जंग लगने का सिद्धांत भी कहते हैं। अम्लीय सिद्धांत, ये जंग लगने का सिद्धांत भी कहलाता है। जंग लगने का सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि जंग के अध्ययन करने पर यह देखा गया कि जंग मुख्यतः अम्लीय माध्यम में लगती है, यह तब लगती है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, नमी की उपस्थिति होती है और ऑक्सीजन उपस्थित रहती है, तभी जंग लगती है। या इसे हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जब किसी जगह पर विलयन में या जल की पीएच कम होती है, अर्थात 7 से कम होती है पीएच, 7 अम्लीय उदासीन जल की पीएच 7 होती है, अगर जल की पीएच 7 से कम होती है तो अम्लीय पीएच कहलाती है ये, तो संक्षारण की गति तीव्र हो जाती है। अम्लीय सिद्धांत को इस प्रकार से समझा जा सकता है। और जंग का विश्लेषण करने पर यह भी पाया गया कि जो अभी हम नीचे सारे उत्पाद पढ़ेंगे, ये सभी उत्पाद जंग में पाए जाते हैं। ये देखा गया कि लोहा वातावरण या वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सबसे पहले फेरस बाइकार्बोनेट बनाता है। जैसे आयरन, Fe लोहा, H2O जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फेरस बाइकार्बोनेट, FeSCO3 होल ट्वाइस, फेरस बाइकार्बोनेट। ये फेरस बाइकार्बोनेट ऑक्सीकृत होकर के, सबसे पहले ऑक्सीकृत होता है, फिर अपचयित होता है, ऑक्सीकृत और अपचयित होकर के बेसिक फेरिक कार्बोनेट बनाता है। फेरस बाइकार्बोनेट FeSCO3 होल ट्वाइस, ये जल और ऑक्सीजन से अपचयित और ऑक्सीकृत होकर बेसिक फेरिक कार्बोनेट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और H2O बनता है। ये साथ ही साथ वापिस अपचयित होकर के क्या बना देता है, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड। फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड जंग का उत्पाद कहलाता है। जंग का उत्पाद या जंग का उत्पाद, जिस जो कि ये Fe2O3 और फिर बाद में ऑक्सीकृत होकर के Fe3O4, ये सब जंग है। ये लाल जंग, ये भूरी जंग, ये काली जंग, इस तरह से जंग बनती रहती है। और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस चक्रीय क्रिया को लगातार चालू रखती है और जंग की क्रिया लगातार होती रहती है। ऐसा मैंने अभी आपको बताया कि जंग का विश्लेषण करने पर यह देखा गया कि जंग में बेसिक फेरिक कार्बोनेट, फेरस बाइकार्बोनेट, बेसिक फेरिक कार्बोनेट और फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये सभी पाए गए। साथ ही जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, जंग लाल से भूरी और भूरी से काली होती जाती है, लाल जंग, भूरी जंग और काली जंग, अर्थात ये सब आयरन के ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित होती जाती है। इस तरह से जंग लगातार बनती रहती है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड काम में आती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती भी है, जो कि संक्षारण की क्रिया को लगातार चलाती रहती है, आगे बढ़ाती रहती है।
ये है आपका जंग का अम्लीय सिद्धांत। ये सिद्धांत अम्लीय सिद्धांत इसलिए कहलाता है क्योंकि जंग लगने की क्रिया अम्लीय माध्यम में बहुत तीव्रता से होती है। उदासीन या क्षारीय माध्यम में जंग लगने की क्रिया रुक जाती है। ये देखा गया कि अगर लोहे को उदासीन माध्यम में रखा गया या क्षारीय माध्यम में NaOH वगैरह के संपर्क में रखा गया तो जंग की गति बहुत बहुत धीमी हो गई या जंग लगने की क्रिया करीब करीब रुक जाती है। ये कहलाता है जंग का अम्लीय सिद्धांत। अब हम जंग का दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, शुष्क या रासायनिक क्रिया के द्वारा जंग लगना। शुष्क मतलब ड्राई, ड्राई संक्षारण ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। इस प्रकार का संक्षारण तब होता है जब धातु वायुमंडलीय गैसों के सीधे संपर्क में आती है। वायुमंडलीय गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर और क्लोराइड, अगर औद्योगिक वातावरण हो तो वहां पर सल्फर और क्लोराइड गैस भी उपस्थित रहती है। इससे धातु की सतह पर संक्षारित उत्पाद की एक परत बन जाती है और जैसे जैसे संक्षारण की क्रिया आगे बढ़ती जाती है इस परत की मोटाई भी बढ़ती जाती है। शुष्क क्रिया किसके द्वारा होती है? ऑक्सीजन के द्वारा, धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, धातु की नाइट्रोजन के साथ क्रिया, धातु की हेलोजन के साथ क्रिया। धातु मतलब M, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, हेलोजन Cl, सल्फाइड S, क्लोराइड Cl। इससे धातु की सतह पर संक्षारित उत्पाद की एक परत बन जाती है या धातु जैसे परत ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड, धातु क्लोराइड, MCl, M2O, M3, N2। इस तरह से धातु के ऊपर परत बन जाती है और संक्षारण की क्रिया चलती रहती है। जैसे जैसे संक्षारण की क्रिया आगे बढ़ती है इस परत की मोटाई भी बढ़ जाती है। अगर इस परत की मोटाई 15 मिलीमीटर से अधिक होती है तो ये स्केल कहलाती है। मुख्यतः शुष्क क्रिया रासायनिक सिद्धांत तीन प्रकार से होता है। शुष्क क्रिया धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, धातुओं की नाइट्रोजन के साथ क्रिया, धातु की हेलोजन के साथ क्रिया, और अगर औद्योगिक वातावरण हो, औद्योगिक वातावरण मतलब इंडस्ट्रीज बहुत अधिक हो जो कि गैसों को निकाल रही हो लगातार, सल्फाइड गैस को, क्लोराइड गैस को, तो इससे धातु संक्षारित होती जाती है। ये कहलाता है शुष्क रासायनिक क्रिया के द्वारा संक्षारण। शुष्क रासायनिक क्रिया के दौरान संक्षारण को हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं। पहला ऑक्सीकरण संक्षारण जो कि ऑक्सीजन के द्वारा होता है। दूसरा अन्य गैसों के द्वारा संक्षारण जो कि अन्य गैसें नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फाइड और क्लोराइड के कारण होता है। सबसे ज्यादा संक्षारण ऑक्सीजन के द्वारा होता है इसलिए ऑक्सीकरण संक्षारण सबसे मुख्य है। तीसरा द्रव धातु संक्षारण, अगर धातु द्रव गैसों के संपर्क में होती है जैसे HCl के संपर्क में होती है, H2SO4 के संपर्क में होती है तो ये द्रव धातु संक्षारण कहलाता है। इसमें मुख्यतः ऑक्सीकरण संक्षारण सबसे अधिक पाया जाता है क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन गैस करीब करीब 20-21% तक पाई जाती है और नमी की ये और इस प्रकार का संक्षारण नमी की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन के सीधे संपर्क के कारण होता है। इस क्रिया में धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है और ऑक्सीकरण संक्षारण की क्रिया आरंभ हो जाती है। सभी क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं सब ग्रुप एक प्रथम वर्ग की धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आदि तथा क्षारीय मृदा धातुएं जैसे कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, ये सारी धातुएं, इसमें हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को छोड़ देते हैं। ये बहुत कम, जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये बहुत कम संक्षारित होती हैं, जबकि क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातुएं बहुत शीघ्रता से संक्षारित हो जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से संक्षारित होती है। मान लेते हैं धातु M, मेटल, ये क्या करता है, ऑक्सीकृत हो, ये क्या करता है, सबसे पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, 1, 2, 3 जो भी इसकी संयोजकता होती है धातु की, +1, +2, +3, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है और ऑक्साइड बनाता है। धातु और ऑक्साइड मिलकर के धातु ऑक्साइड बनाती है, संक्षारित उत्पाद बनाती है। एक संयोजी धातु है तो एक संयोजी, दो संयोजी है तो दो, त्रि संयोजी है तो त्रि। एक संयोजी धातु बनाती है M2O, द्विसंयोजी धातु बनाती है MO, त्रि संयोजी धातु बनाती है M2O3। इस प्रकार से धातु ऑक्साइड बनने के कारण संक्षारित हो जाती है और धीरे धीरे ये संक्षारण की क्रिया आगे चलती रहती है। अब ये संक्षारण की क्रिया सब धातु की सतह पर होती है और धातु की सतह पर परत बन जाती है।
अब ये संक्षारण की क्रिया कितनी चलेगी ये बनने वाली धातु ऑक्साइड की परत पर निर्भर करता है कि ये संक्षारण की क्रिया आगे चलेगी या धातु सुरक्षित हो जाएगी या धातु पूर्णता नष्ट हो जाएगी या संक्षारण की गति कितनी होगी, ये हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, अगर बनने वाली परत स्थायी होती है तो ये क्या करती है, स्थायी होने के कारण धातु को चारों तरफ से कवर कर लेती है और उसके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण बना देती है। इस आवरण बनने के कारण धातु की और अधिक संक्षारण नहीं होता है, या हम ये कह सकते हैं कि संक्षारण की क्रिया रुक जाती है और धातु सुरक्षित हो जाती है, संक्षारण नहीं होता है। जैसे कि हम ये देखते हैं एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पर संक्षारण की क्रिया नहीं होती है, या इसको हम देखते हैं कॉपर, कॉपर के ऊपर संक्षारण की परत बन जाती है और संक्षारण आगे नहीं होता है। लेकिन कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके हरे रंग की एक धातु बना लेता है CuCO3, जिसके कारण संक्षारण होता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ उसका संक्षारण मुख्यतः नहीं होता है। दूसरा, अगर ये बनने वाली संक्षारण की परत अस्थायी होती है तो संक्षारण की क्रिया नहीं होती है, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड और एल्यूमिनियम के केस में होता है। ये क्या करती है, अस्थायी होने के कारण वापस धातु और ऑक्सीजन में बदल जाती है और इस तरह से अनस्टेबल होने के कारण सिर्फ ऊपर ऊपर से संक्षारण हो जाता है और आगे संक्षारण की क्रिया रुक जाती है या आगे संक्षारण नहीं होता है। तीसरा, अगर बनने वाली धातु ऑक्साइड की परत MO जो होता है वाष्पशील होता है, वोलेटाइल होता है, तो संक्षारण की क्रिया लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे करके सारी धातु संक्षारित हो जाती है, जैसे कि हम मॉलिब्डेनम के केस में देखते हैं। मॉलिब्डेनम MO2O3 बना लेकर पूरी धातु धीरे धीरे संक्षारित हो जाती है और कुछ समय बाद अगर हमें इसके सुरक्षात्मक उपाय नहीं करते हैं तो धीरे धीरे सारी मॉलिब्डेनम धातु संक्षारित होकर के नष्ट हो जाती है। अगर बनने वाली धातु ऑक्साइड की परत छिद्रदार पोरस होती है, उसमें छेद छेद होते हैं, तो भी संक्षारण की क्रिया इन छेदों से ऑक्सीजन अंदर जाती रहती है, ऑक्साइड बनती रहती है, धातु आयन बनते रहते हैं और संक्षारण की क्रिया लगातार चलती रहती है। इसको हम एक दूसरे नियम के द्वारा भी समझ सकते हैं, जिसे पीलिंग बेडवर्थ का नियम कहते हैं। पीलिंग बेडवर्थ ने बताया, जैसे सबसे पहले आप इसको इस अनुपात से समझिए, पीलिंग बेडवर्थ का अनुपात है बनने वाली धातु ऑक्साइड की परत का आयतन अपॉन धातु का आयतन, या हम इसको साधारण रूप से इस प्रकार समझा सकते हैं, अगर ऑक्साइड ऑक्सीजन धातु के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है जिसका की आयतन धातु ऑक्साइड MO या M2ON बनने वाली धातु ऑक्साइड का आयतन अगर धातु के आयतन से अधिक है, बनने वाली धातु ऑक्साइड का आयतन धातु के आयतन से अधिक है, तो ये क्या करती है, धातु ऑक्साइड धातु को चारों तरफ से घेर लेती है, कवर कर लेती है और उसके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण बना देती है और धातु और अधिक संक्षारित होने से बच जाती है। वापिस समझिए, देखिए, अगर बनने वाली धातु ऑक्साइड का आयतन मतलब M2O, MO, M2O3 इसका आयतन अधिक है, धातु ऑक्साइड का संक्षारित परत का आयतन अधिक है धातु के आयतन से, तो ये धातु को चारों तरफ से कवर करके उसके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण बना लेती है और धातु और अधिक संक्षारित होने से बच जाती है। लेकिन अगर ये उल्टा है, M2ON का आयतन M के आयतन से कम है, तो बनने धातु के ऊपर जो परत चढ़ती है वो हमेशा टेंशन में रहती है, वो हमेशा तनाव में रहती है, जहां जहां से ये परत हटती जाती है उस जगह पर धातु के ऊपर लगातार संक्षारण की क्रिया चलती रहती है और धातु संक्षारित होती रहती है। इस तरह से धीरे धीरे करके उसमें छेद हो जाते हैं जहां पर ये धातु ऑक्साइड की परत हट जाती है और संक्षारण की क्रिया लगातार चलती रहती है। इसी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि क्यों एल्यूमिनियम सिर्फ एक बार काली पड़ जाती है और सिल्वर गोल्ड बाकी आगे धातु पूरी संक्षारित होने से बच जाती है। ये करीब करीब स्टेबल धातु कहलाती है क्योंकि इस पर बनने वाली धातु ऑक्साइड की परत अस्थायी होती है, अस्थायी होने के कारण वो वापिस धातु
और ऑक्साइड में बदल जाती है और इस तरह से क्रिया लगातार चलती रहती है। इस कारण से ये तीनों धातुएं स्टेबल धातु कहलाती हैं, संक्षारित नहीं होती हैं या इन पर संक्षारण का प्रभाव केवल एक बार होता है, जिसे हम वर्ण दूषण कहते हैं, जिसके कारण ये काली हो जाती है और आगे संक्षारण होने से की क्रिया नहीं होती है या संक्षारित होने से रुक जाती है। या हम इसको पीलिंग बैटवर्ड के नियम से भी समझ सकते हैं कि बनने वाली धातु ऑक्साइड का आयतन अधिक होता है धातु से और संक्षारण की क्रिया पूरी धातु पर नहीं होती है और संक्षारित होने से बच जाती है। थैंक यू।